तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना के साथ हम व्यवहार भानु का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी के साथ व्यवहार भानु की पुस्तक भी है, तो अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और उसमें पृष्ठ संख्या 18 देखिए। पृष्ठ संख्या 18 पर एक प्रश्न प्रारंभ हो रहा है कि आचार्य किस रीति से विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण कराएं और विद्यार्थी लोग करें। इससे पहले कुछ प्रश्न हो चुके हैं कि विद्यार्थियों को कैसा बर्ताव करना चाहिए, पंडित के क्या लक्षण होते हैं, मूर्ख के क्या लक्षण होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या लाभ होते हैं, और बीच में ये भी बताया कि विद्या और अविद्या में अंतर क्या होता है, विद्या को प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं, आगम काल, दूसरा स्वाध्याय काल, तीसरा प्रवचन काल, चौथा व्यवहार काल, जिसको दूसरी तरह से कहें तो श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार के रूप में भी बताया गया है। इतना सब कुछ बताते हुए अब एक प्रश्न उठाया कि आखिर आचार्य किस रीति से विद्यार्थी को सुशिक्षा का ग्रहण कराएं, आचार्य जो हैं वो किस रीति से यानी किस शैली से किस प्रकार से विद्यार्थी को विद्या या सुशिक्षा का ग्रहण कराएं। इसका मतलब क्या है कि आचार्य कैसे कैसे तरीकों को प्रयोग करके विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण कराएं, और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न क्या है, और कैसे तो विद्यार्थी उसे ग्रहण करें, आचार्य कैसे ग्रहण कराएं और विद्यार्थी कैसे ग्रहण करें। ये दो प्रश्न हो गए, प्रश्न समझ में आ गए, तो अब हम उत्तर समझ लेते हैं। उत्तर में कह रहे हैं आचार्य जो है वो समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करें कराएं कि जिससे उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ होकर उत्साह ही बढ़ता जाए। कहने का अर्थ है आचार्य इस प्रकार से विद्या पढ़ाएं, इस प्रकार से शिक्षा का ग्रहण कराएं जिससे कि विद्यार्थी के मन में, विद्यार्थी की आत्मा में, मन में भी नहीं कहा, क्या कह रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी के आत्मा में विषय सुनिश्चित हो जाए, अर्थात जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो कहाँ पर सुनिश्चित हो जाए, आत्मा में विषय सुनिश्चित हो जाए, और विषय के सुनिश्चित होने के साथ साथ उत्साह बढ़ता जाए, यानी कि ऐसे प्रकार से अध्यापक को पढ़ाना चाहिए कि अध्यापक के पढ़ाने पर विद्यार्थी उत्साहित होकर के और आगे आगे पढ़ना चाहिए। यदि किसी अध्यापक के पढ़ाने पर विद्यार्थी अनुत्साहित हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि और नहीं पढ़ना, तो इसका मतलब अध्यापक के पढ़ाने के तरीके में कोई त्रुटि है, वहां किसी बदलाव की आवश्यकता है। तो और हर समय ऐसा भी नहीं होता है, कई बार मन जो है वो खेल में लगा होता है, इसलिए भी उत्साह जो है कम हो जाता है, तो वहां की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर आचार्य के प्रयोग किए हुए तरीके पर बात चल रही है कि आचार्य इस प्रकार से विद्या को पढ़ाए जिससे कि विद्यार्थियों का उत्साह निरंतर बढ़ता जाए, वो हर अपनी उस विषय की कक्षा का स्मरण करे, प्रतीक्षा करे कि कब वो कक्षा आएगी, कब हम पढ़ेंगे, जल्दी से फिर से वो कक्षा आ जाए, जल्दी से उस विषय को फिर से पढ़ें। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आचार्य जो है, पढ़ाने वाला जो है, उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये वर्षों पुरानी बात है जिसको महर्षि दयानंद जी ने इस व्यवहार भानु नामक पुस्तक में स्वयं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रथम पंक्ति है कि आचार्य समाहित होकर, मतलब जब टीचर पढ़ाए ना, अध्यापक पढ़ाए, तो वो कुछ भी बचा के न रखे, पूर्ण रूप से समाहित हो जाए और ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करे जिससे विद्यार्थी के आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ होकर
उत्साह ही बढ़ता जाए, विद्यार्थी के आत्मा के भीतर अर्थ जो है यानी विषय का जो ज्ञान है वह सुनिश्चित हो जाए, कोई भी भ्रम ना रहे, कोई संशय ना रहे, सिद्धांत में कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, तो ऐसा पढ़ाए। और जब ऐसा पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों का उत्साह स्वतः ही बढ़ जाता है। फिर ऐसी चेष्टा व कर्म कभी भी न करे जिसको देख व करके विद्यार्थी अधर्म युक्त हो जावे। कह रहे हैं कि आचार्य जो होते हैं अध्यापक, उनको ऐसी चेष्टा या ऐसा कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। कैसी चेष्टा और कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? जिसको देखकर जो विद्यार्थी हैं वो अधर्म युक्त हो जाएं, ऐसा कभी भी ना तो चेष्टा करनी चाहिए ना ही ऐसा कोई कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? जिसको देखकर विद्यार्थी अधर्म युक्त हो जाएं। अब यदि अध्यापक ही परीक्षा में आपको नकल कराने लग जाए तो विद्यार्थी स्वयं ही अधर्म से युक्त हो जाएंगे ना। वो तो यही सोचेंगे कि हम भी बड़े होंगे तो हम भी ऐसे ही नकल करा देंगे, या कोई जब अध्यापक ही हमको नकल करा रहा है तो क्यों ना हम स्वयं से ही कोई पर्ची लेकर के आ जाते हैं। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं इसलिए मैं आपको बहुत ही जल्दी से समझ में होने वाला उदाहरण बता रही हूँ परीक्षा का या नकल कराने का। ऐसे ही कक्षा में रहते हुए और ना रहते हुए, ऐसा नहीं है अध्यापक जो है वो कभी ऐसा सोचे कि मैं जब तक क्लास में हूँ तब तक तो मैं टीचर हूँ और बाकी जो समय है वो मेरा पर्सनल टाइम है, उस समय मैं चाहे कुछ करूँ, चाहे नशा करूँ, चाहे अधर्म करूँ, चाहे व्यभिचार करूँ, चाहे जुआ खेलूँ, चाहे कुछ भी करूँ। तो अगर कोई शिक्षक ऐसा समझता है तो वो शिक्षक है ही नहीं, वो मात्र एक आजीविका के साधन को उपयोग कर रहा है, बाकी वो है नहीं वास्तव में शिक्षक। वास्तविक शिक्षक कौन है? जिसकी कोई भी चेष्टा और कोई भी कर्म ऐसा न हो जो विद्यार्थियों को अधर्म का पालन करने के लिए या यूं कहें कि अधर्म से युक्त होने के लिए प्रेरित करे। ऐसी कोई भी चेष्टा या ऐसा कोई भी कर्म अध्यापक का नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं, दृष्टांत, हस्तक्रिया, यंत्र, कला कौशल, विचार आदि से विद्यार्थियों के आत्मा में पदार्थ इस प्रकार साक्षात करावें कि एक के जानने से हजारों पदार्थ यथार्थ रूप से जानने योग्य हो जाएं। कहने का मतलब है दृष्टांत दे करके। पढ़ाते समय हम दृष्टांत देते हैं, हमको अगर पढ़ाना है कि देखो ये नील गाय है तो हम उदाहरण देते हैं कि नील गाय है जिसके चार पांव हैं, दो कान हैं, फिर भी नहीं समझे। तो जैसे गाय होती है वैसे नील गाय होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो किसी अन्य का उदाहरण दे करके उसकी समता दिखा करके किसी अन्य चीज को बताना, ये क्या कहलाता है? दृष्टांत कहलाता है। जैसे अभी आपको पीछे दृष्टांत दिया था, शेख चिल्ली का दृष्टांत दिया था ना, कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे शेख चिल्ली विचार कर रहा था वैसे ही मूर्ख लोग भी विचार करते हैं, ये क्या था? दृष्टांत था, है ना। तो कह रहे हैं अध्यापकों को किस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए? दृष्टांत का उपयोग। उस समय तक ये बीएड इस तरीके से चलता नहीं था, फिर भी देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितना सुंदर एक एक शब्द से ही पूरी बात को बता दिया है कि अध्यापक को कैसे पढ़ाना चाहिए। दृष्टांत दे करके पढ़ाना चाहिए। कौन सी बातों का दृष्टांत देना चाहिए? जो बातें विद्यार्थी पहले से जानता है, ठीक है। तो दृष्टांत दे करके पढ़ाना चाहिए। हस्तक्रिया अर्थात हाथों को क्रियाशील करके, जैसे कुछ हम मान लीजिए ऐसे हाथ बांध करके और पूरा प्रश्न सिर्फ मौखिक रूप से आपको समझा जाए तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। कई बार हाथों से भी क्रिया करके बताना पड़ता है, कि बोर्ड पर लिख करके भी बताना पड़ता है, हाथों से किसी चीज के इशारे को भी बताना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बुद्ध की तरह खड़े होकर के पूरी कक्षा में पढ़ा दिया जाए। तो कह रहे हैं ऐसे आचार्य को नहीं पढ़ाना चाहिए। कैसे पढ़ाना चाहिए? हस्त क्रियाओं को अपने आचरण में लाते हुए, उनके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को समझाते हुए पढ़ाना चाहिए। तो दृष्टांत दे करके पढ़ाना चाहिए, हस्तक्रिया के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तीसरा है यंत्र, यंत्रों के माध्यम से भी पढ़ाना चाहिए। जिस समय
महर्षि दयानंद जी ये बात लिख रहे हैं, उस समय आज की तरह विकसित यंत्र नहीं थे। आज तो हमारे पास कितने यंत्र हैं, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लास है, रेडियो है ना, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम सुन करके, देख करके जो चीजें आज यहाँ उपलब्ध नहीं है उन चीजों की भी हम उपलब्धि कर सकते हैं, होता है ना ऐसा। तो यंत्र के माध्यम से, कला और कौशल के माध्यम से, कला और कौशल के माध्यम से कई लोग गणित पढ़ाते हैं, कई लोग विज्ञान पढ़ाते हैं। अब विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते आपको पिन होल कैमरा सिखाया था, सिखाते हैं ना, तो उसके साथ साथ आप उसमें कलाओं का भी प्रदर्शन करते हैं, कुछ सजाते भी हैं, कुछ अलग अलग डिजाइन में बनाते हैं। ऐसे ही कोई गणित पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो अपनी गणित के माध्यम से भी कई बार अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों को बनाना सिखाता है, कई बार मूर्तियों को बनाना सिखाता है, लैब बनाता है, बहुत सारी चीजें करते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियों से अलग अलग खिलौने बनाते हैं। तो कला और कौशल के माध्यम से भी विषयों को पढ़ाया जाता है। ये बात अध्यापक को निश्चित करनी है कि वह कितने अंश में कला कौशल का प्रयोग करेगा, कितने अंश में वह अन्य वस्तुओं का प्रयोग करेगा। ये अध्यापक के ऊपर होता है कि किस चीज से विद्यार्थी विद्या का अधिगम अधिक कर रहे हैं। फिर अलग एक और कह रहे हैं कि विचार आदि से विद्यार्थियों के माध्यम, विद्यार्थियों के आत्मा में, माने अपने विचार से और उनको विचार करवा करके, जैसे हम कोई प्रश्न देते हैं कि ये प्रश्न आप स्वयं विचार करके आना, तो यह भी एक तरीका है कि आत्म मंथन करें। आत्म मंथन करने से हमारे आत्मा में विषय सुनिश्चित हो जाते हैं, और जब हमारे आत्मा में विषय सुनिश्चित हो जाते हैं तो हम अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो विचार के द्वारा अध्यापक पढ़ाए। एक और अंतिम बात कही कि ऐसा पढ़ाए कि एक चीज को जानने से विद्यार्थी बहुत सारी चीजों को जान जाए। जैसे एक बार आपको किसी विद्यार्थी को किसी अध्यापक ने पढ़ाया कि यह जो है, यह लक्षण जहां जहां ऐसा मिलेगा आपको, जहां जहां इस प्रकार की सुगंध आएगी, पुष्प का आकार लगभग इतना होगा, उसको तुम गुलाब समझना। तो एक पुष्प को परिचित होकर के, एक पुष्प का परिचय पा करके वो बाकी सब गुलाब को जान जाए, ऐसा ना हो कि वो एक को जानने के बाद फिर से अगली बार उसे बताना पड़े कि ये गुलाब है, ये गुलाब है। हजार गुलाब के पौधे रखे हैं, उसमें हजारों गुलाब के पुष्प लगे हुए हैं, तो एक गुलाब की ऐसी पहचान बताए कि वह विद्यार्थी अन्य सारे विषयों को जानने के लिए भी समर्थ हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञान कराए, ऐसा ना हो कि उसे प्रत्येक प्रश्न बताना पड़े, है ना। इस प्रकार से जब अध्यापक अध्यापन कराते हैं तो विद्या का स्तर बहुत ऊंचा होता है, और विद्या का स्तर ऊंचा होता है तो विद्यार्थियों का स्तर ऊंचा होना स्वाभाविक है, उसमें फिर कभी कोई संशय नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं आती। आर्यमा आगे देखिए, अपनी आत्मा में इस बात का ध्यान रखें कि जिस जिस प्रकार संसार में विद्या धर्माचरण की बढ़ती और मेरे पढ़ाए मनुष्य अविद्वान और कुशिक्षित होकर मेरी निंदा का ना कारण न होवे कि मैं ही विद्या को रोकने और अविद्या की वृद्धि का निमित्त गिना जाऊं। कहने का मतलब है कि अध्यापक को सदैव विचार करना चाहिए कि संसार में मेरे पढ़ाने के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अधर्म बढ़ रहा है और धर्म कम हो रहा है, कहीं मैं उसमें निमित्त तो नहीं बन रहा, कहीं मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा तो नहीं है या मेरे जीवन जीने का तरीका ऐसा तो नहीं है जिससे विद्यार्थियों को गलत संदेश जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने आत्मा में सदा इस बात का ध्यान रखे। किस बात का ध्यान रखे कि जिस जिस प्रकार से संसार में विद्या और धर्माचरण की बढ़ती हो और अधर्म और अविद्या की घटती हो, ऐसा इनका कहने का आशय है, वैसा पढ़ाएं। किस प्रकार पढ़ाएं, जिससे कि धर्म बढ़े, विद्या बढ़े, जिससे अधर्म बढ़ने लग जाए, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ, वो शिक्षा शिक्षा ही नहीं होती है। दूसरी बात कह रहे हैं कि आचार्य को सोचना चाहिए मेरे पढ़ाए हुए मनुष्य अविद्वान और कुशिक्षित होकर मेरी निंदा का कारण ना बने,
क्योंकि जिसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी सफल नहीं होता है तो वो विद्यार्थी का जितना दोष होता है उतना ही दोष आचार्य का भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें मात्र विद्यार्थी का दोष होता है, क्योंकि इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य वह अपने अलग व्यक्तित्व को लेकर के जन्म लेता है। कोई भी मनुष्य बेकार नहीं होता। मैंने पिछले सत्र में भी एक श्लोक सुनाया था, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। इस दुनिया में कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र में विनियोग ना हो सके, जिसका मंत्र में प्रयोग ना हो सके। ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जिसका औषधि के रूप में उपयोग ना हो सके, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो योग्य नहीं होता। जो हमको बहुत बहुत ही अयोग्य भी दिखता है ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई योग्यता छिपी हुई होती है। बस आचार्य का कार्य होता है कि उस योग्यता से उसका परिचय कराए। तो अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी संसार में ऐसा मनुष्य नहीं है जो अयोग्य होता है। लेकिन अयोग्य या योग्य कब सिद्ध होता है, कब हम उसका लाभ ले पाते हैं? तो आगे कह रहे हैं, योजकस्तत्र दुर्लभा। सही व्यक्ति को सही कार्य में लगाने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। अब किसी इंजीनियर को आप ये बोलो कि जैसे आप इंजीनियरिंग में इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वैसा ही आप भोजन में बनाने में करें, पाकशाला में करें, तो हो सकता है वो ना कर पाए। और अगर आप उसके काम में लगा दो, मान लीजिए उसने इंजीनियरिंग करी है और उसको जिस विषय में रुचि भी है, योग्यता भी है, उस विषय में लगाओ तो हो सकता है वो और नई चीजें भी खोज ले, है ना। अब आप कहो कि मैं तो जो है वो अग्नि से सिंचन का कार्य लूंगा। किससे सिंचन का कार्य लूंगा? अग्नि से। तो आग कभी भी किसी पौधे को सींच सकती है क्या? क्या करेगी? अब उसमें आग का क्या दोष है? पानी से आप किसी दूसरी वस्तु को जलाना चाहो और दोष दो पानी को कि ये कैसा पानी है, ये तो जला ही नहीं रहा है, ये तो लपट उठा ही नहीं रहा है, तो ये क्या पानी का दोष है? ये तो उस व्यक्ति का दोष है जो व्यक्ति आग से पौधों को सिंचित करना चाह रहा है, जो व्यक्ति जल से कहीं पर ज्वालाएं उठाना चाह रहा है। तो अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। कोई भी मनुष्य इस संसार में अयोग्य होता ही नहीं है। बस किस समय किस मनुष्य को कौन से कार्य में लगना है, कौन से कार्य में लगाना है, ऐसे मनुष्य दुर्लभ होते हैं। यानी कि ये मनुष्य अगर सीख जाए कि कब कहाँ और कैसे किस कार्य को करना है, तो मनुष्य सदैव उन्नति को ही प्राप्त होगा। अभी पिछले सत्र में भी मैंने एक गजल की एक पंक्ति आपको बताई थी। अब वो गजल है या शेर है इतना मुझे नहीं मालूम, पर एक पंक्ति बड़ी अच्छी लगी थी। कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, अगर ये पता हो तो हर बात सुनी जाती है, अगर ये इल्म हो तो हर बात सुनी जाती है ना। तो इसी प्रकार से हमको पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को किस कार्य में लगाना है, कब कौन सा कार्य करना है। अगर ये पता होता है तो शिक्षा बढ़ती जाती है, धर्माचरण बढ़ता जाता है। तो आचार्य को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी अधर्माचरण तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो कुशिक्षित तो नहीं हो रहे, कहीं वो मेरी ही निंदा का कारण तो नहीं बन रहे। अब किसी बहुत बड़े शिक्षक का विद्यार्थी यदि डकैती करने लग जाए तो लोग किसको किसकी निंदा करते हैं कि कैसी शिक्षा दी है इसके, कैसे आचार्य थे जो इनका विद्यार्थी जो है वो डकैती डालने लग गया। आचार्य की निंदा होती है, माता पिता की निंदा होती है, क्योंकि माता पिता भी गुरु के पदवी पे होते हैं प्रारंभिक अवस्था में। तो इसीलिए माता पिता और गुरु सबको ही ये सोचना चाहिए कि मैं अपने विद्यार्थियों को, संतानों को ऐसी शिक्षा दूं जिससे कि ये मेरी निंदा करने के निमित्त न बने। आगे कहते हैं, ऐसा न हो कि सर्वात्मा परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मेरे गुण कर्म स्वभाव विरुद्ध होने से मुझको महादुख भोगना पड़े। आचार्य कहते हैं कि सर्वात्मा जो परमेश्वर है उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है? न्यायकारी है, दयालु है,
कृपालु है, वह सब कुछ जानता है, ध्यान से सुनता है, किसी का भी अहित नहीं करता, सबका हितकारी है, सबके विषय में हित चिंतन करता है। तो कहीं उसके गुण कर्म स्वभाव से मेरे गुण कर्म स्वभाव अलग तो नहीं है? ईश्वर तो पक्षपाती नहीं है, कहीं मैं तो पक्षपाती नहीं हो रहा हूं? तो सदैव आचार्य को सोचना चाहिए, जैसे ईश्वर दयालु होता है, अपनी प्रजा के समान, पुत्रों के समान हमारा पालन करता है, वैसे ही आचार्य को भी अपने शिष्यों का पालन और पोषण और शिक्षण करना चाहिए, पक्षपात से युक्त नहीं होना चाहिए, निरंतर उनकी उन्नति में सहायक होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही हैं। धन्य है वे मनुष्य जो अपने आत्मा के समान सुख में सुख और दुख में दुख अन्य मनुष्यों का जानकर धार्मिकता को कदापि नहीं छोड़ते, इत्यादि उत्तम व्यवहार आचार्य लोग नित्य करते रहे। अर्थात वो क्या सोचे कि वे मनुष्य धन्य हैं जो अपनी आत्मा के समान सुख में सुख देखते हैं, यानी जैसे स्वयं को सुख मिलता है वैसे ही दूसरे को भी सुख मिले, या दूसरे के सुख को समझते हैं कि कब कौन सुखी है। जैसे हमें कटु शब्द सुन करके दुख का आभास होता है, वैसे ही अन्यों को भी कटु शब्द सुन करके दुख का आभास होता है। इस बात को जो अध्यापक समझते हैं वो क्या दूसरे को कटु बोलेंगे? जब वो जानते हैं कि अधर्माचरण करने से नीच गति होती है, व्यक्ति जो है पाप का भागी होता है, तो जैसे मैं अधर्माचरण यदि करूंगा तो पाप का भागी होऊंगा, वैसे ही मेरे शिष्य यदि अधर्माचरण करेंगे तो वो भी पाप के भागी होंगे, ऐसा जो शिक्षक समझेगा वही तो अपने शिष्यों को अधर्माचरण से दूर करेगा कि कोई अन्य कर देगा? नहीं करेगा ना। तो आचार्य के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है। जैसे महर्षि वेदव्यास ने कहा है ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। मैं जब बोलती हूँ ना तो लिख लिया करो, कई बार आपको ये चीजें याद नहीं रहती हैं तो लिख भी लिया करें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कि परोपकार करने से क्या होता है? पुण्य होता है। और परपीडनम्, परपीडन करने से क्या होता है? पाप होता है। दूसरों को सुख देने से पुण्य मिलता है, दूसरों को दुख देने से पाप लगता है। लेकिन वह सुख और दुख शारीरिक नहीं होना चाहिए, वह सुख और दुख आत्मिक होना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य जो है वो धर्माचरण करके उन्नत पदवी को प्राप्त होता है। फिर आगे विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं, इतना सब तो आचार्य के लिए कहा, आचार्य के लिए आपने सुना क्या कहा, उसके बाद अब विद्यार्थी के लिए कह रहे हैं कि विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मों से आचार्य की प्रसन्नता होती जाए वैसा कर्म करें। विद्यार्थी कैसा कर्म करें? जिससे आचार्य की प्रसन्नता होती जाए। क्या कक्षा में सोने से आचार्य की प्रसन्नता होती है? होती है क्या? जोर से बोलिए। नहीं होती है। तो क्या विद्यार्थी को कक्षा में आलस्य करना चाहिए, सोना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। क्या आचार्य को आपके गृह कार्य पूरा न करने से प्रसन्नता होती है? तो क्या आपको गृह कार्य पूरा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि करने से, पूरा करने से आचार्य को प्रसन्नता होती है। क्या आपके अनावश्यक गोष्ठी से, व्यर्थ कुतर्क से आचार्य को प्रसन्नता होती है? तो क्या व्यर्थ कुतर्क करने चाहिए? व्यर्थ गोष्ठी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्या आचार्य को आपके प्रश्न पूछने से कठिनाई होती है या फिर प्रसन्नता होती है? आपके प्रश्न पूछने पर आचार्य को प्रसन्नता होती है कि हमारे विद्यार्थी जागृत हैं, नया नया सीखने के लिए उत्सुक हैं। तो आचार्य से क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? क्या झूठ बोलने से आचार्य को प्रसन्नता होती है? तो झूठ बोलना चाहिए। क्या किसी की वस्तु की चोरी कर लेने से आचार्य को प्रसन्नता होती है? संगीता जी, क्या आचार्य को किसी दूसरे की चोरी कर लेने से प्रसन्नता होगी, होती है क्या?
तो क्या चोरी करनी चाहिए? फिर और ऐसे ही बातें गिनाओ। चंचलता करने से आचार्य को प्रसन्नता होती है। स्वाभाविक बालपन से तो प्रसन्नता भले ही हो सकती है, लेकिन चंचलता से प्रसन्नता नहीं होती। ठीक है, तो सहयोग करने से प्रसन्नता होती है, तो सहयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक ही बात इन्होंने कही कि विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मों से आचार्य की प्रसन्नता होती जाए, ऐसे कामों को करना चाहिए जिससे आचार्य प्रसन्न हो। ऐसे कार्य यदि विद्यार्थी करते हैं तो विद्यार्थियों को सुशिक्षित होने से, धर्मावलंबी होने से और उन्नत होने से, विकसित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए कुल मिलाकर के हमारे गुरुजी एक वाक्य कहते थे कि विद्यार्थी को गुरु का प्रियाचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रियाचरण, यानी गुरु को जो प्रिय लगे वह विद्यार्थी को करना चाहिए। इसी बात के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही।